मकई की पैदावारी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की जमीन और आबो हवा मकई की काश्त के लिए इंतहाई मौजूं है। हमवारो भारी मेरा जमीन मकई की काश्त के लिए मौजूं होती है। जमीन की तैयारी करते वक्त पहली मर्तबा मट्टी पलटने वाला हल चलाएं। इसके बाद आम हल चलाकर जमीन को अच्छी तरह तैयार करें। बेहतर तैयारी के लिए 3 या 4 मर्तबा हल और सुहागा चलाएं। बीज की तैयारी, अच्छा बीज ही ज्यादा पैदावार का जामिन होता है, इसलिए बीज साफ सुथरा सेहतमंद और बीमारियों से पाक होना चाहिए। काश्त से कबल फफूंदी कुछ जहर बहिसाब 2 ग्राम फी किलोग्राम बीज लगाएं ताकि फसल फफूंदी से लगने वाली बीमारियों से महफूज रहे। कौपल की मक्खी का हमला रोकने के लिए बीज को अमीडा क्लोप्रेट ग्रुप की कोई जहर 5 ग्राम फी किलोग्राम बीज को लगाकर काश्त करें। शरा बीज, वटों पर काश्त के लिए 8 से 10 किलोग्राम जबकि ड्रिल से काश्त के लिए 12 से 15 किलोग्राम फी एकड़। साफ सुथरा और सेहतमंद बीज इस्तेमाल करें। मंजूर शुदा अकसाम, आम अकसाम में मलका 2016, MMRI येलो, गौहर 19, साहिवाल गोल्ड, समेट पार्क, पाप 1, स्वीट 1 और पर्ल शामिल हैं, जबकि YH 1898, FH 949, FH 1046, YH 5427 और FH 1036 मकई की मंजूर शुदा हाइब्रिड अकसाम है। वक्त काश्त, मकई की बहारिया फसल आखिर जनवरी से आखिर फरवरी तक काश्त की जाती है। खरीफ की फसल 15 जुलाई से 15 अगस्त तक काश्त की जाती है, जिसे मौसमी मकई कहते हैं। रावलपिंडी के पहाड़ी इलाकों में मकई की काश्त 15 मार्च से 15 अप्रैल के दौरान की जा सकती है। तरीका काश्त, आसपास इलाकों में मकई की काश्त के लिए 2.5 फुट के फासले पर शरकन गर्बन वटे बनाएं और हल्का पानी लगाने के फौरन बाद नमी से ऊपर वटों की ढलवान पर एक बीज बहारिया मकई में जुनूबी समत और मौसमी मकई में शुमाली समत पर चौका लगाएं। बहारिया फसल में हाइब्रिड अकसाम को 6 इंच और खरीफ में हाइब्रिड अकसाम को 7 इंच के फासले पर जबकि आम अकसाम को 8 से 9 इंच के फासले पर काश्त करने से ज्यादा पैदावार हासिल होती है। अच्छी पैदावार के लिए बरानी इलाकों में मकई हमेशा 2.5 फुट के फासले पर ड्रिल, पोर या केरा से काश्त करें। खादों का इस्तेमाल, ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए खादों का मुतनासिब और बरवक्त इस्तेमाल जरूरी है। हाइब्रिड अकसाम के लिए दरमियानी जरखेज जमीन में मकई की काश्त के वक्त 2.5 बोरी DAP और 1.5 बोरी SOP फी एकड़ डालें। आम अकसाम के लिए आपपाश इलाकों की दरमियानी जरखेज जमीन में मकई की काश्त के वक्त 2 बोरी DAP और 1.5 बोरी SOP फी एकड़ इस्तेमाल करें। बारानी इलाकों में जहां बारिशें कम होती हैं, वहां 1 बोरी DAP, 1 बोरी यूरिया और 0.5 बोरी SOP फी एकड़ इस्तेमाल करें। बारानी इलाकों में तमाम खादें बुआई के वक्त इस्तेमाल की जाएं। जड़ी बूटियों की तलफी, मकई की अच्छी और ज्यादा पैदावार लेने के लिए जड़ी बूटियों की बरवक्त तलफी इंतहाई जरूरी है। मकई की फसल में घास का खानदान, तिकोने पत्तों वाली जड़ी बूटियां और चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। खेलियों पर काश्ता फसल में जड़ी बूटियों की तलफी के लिए कीमियाई जहरों का इस्तेमाल ही मुनासिब तरीका है। इस मकसद के लिए मकामी जरई माहरीन के मशवरे से जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे सिफारिश करदा मकदार और तरीके से करें। स्प्रे के लिए टीजेट या फ्लैट फैन नोजल इस्तेमाल करें। प्लांटर या ड्रिल से काश्ता फसल से जड़ी बूटियों की तलफी के लिए गोडी का तरीका भी इख्तियार किया जा सकता है। आप पाशी, मौसमी मकई को आमतौर पर 10-12 और बहारिया मकई को 12-14 पानी दरकार होते हैं। फूल आने, अमल जीरगी और दाने की दूधिया हालत में फसल को सोखा ना आने दें, वरना पैदावार पर बुरा असर पड़ेगा। अमले जीरगी और दाना बनने के दौरान अगर शदीद गर्मी पड़ने लगे तो पानी का वक्फा 4-5 दिन कर दें। बर्दाश्त, जब छलियों के अंदरूनी पर्दे खुश्क हो जाएं, दानों के नोकदार सिरे काले हो जाएं, तो समझ लें कि फसल तैयार हो गई है। तोड़ने के बाद छलियां पर्दों से निकाल कर फैला दें। इस वक्त दानों में तकरीबन 15% नमी होती है। शेलर के जरिए दाने अलग करके फरोख्त कर दें और अगर स्टोर करने हो तो फिर मजीद 2 से 3 दिन दानों को खुश्क करें और जब नमी 10% से कम हो जाए तो साफ करके स्टोर करें।